नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, मेटल स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले एपीएल अपोलो की बात करें तो मैं सबसे पहले एपीएल अपोलो के चार्ट यहाँ पर लगा दूंगा। देखिए, एपीएल अपोलो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, एपीएल अपोलो ट्यूब्स नाम है उसका, और देखते हैं किस लेवल पे है। हालांकि थोड़ा सा फायर्स में अभी वॉचलिस्ट प्रॉब्लम कुछ कर रहा है। तो एपीएल अपोलो देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। 1680 के ऊपर अगर एपीएल अपोलो निकलता है तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट 1720 तक का देगा बनाकर। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो कल भी मैंने कहा था कि 1550, ये कल 1525 को अगर ब्रेक करता है, 30 को ब्रेक करता है तो 1550, और 1550 के ऊपर निकला था 1580 तक के टारगेट दिखा सकता है। आज का हाई देखें तो 1596 यानी कि 1600 तक का इसने हाई लगभग लगा दिया है। अब अगर ये 1600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो 1625 से 1650 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने अच्छा रिवर्सल लिया। देखिए, बिल्कुल मैंने कहा भी था रिस्की ट्रेडर यहाँ पे जरूर पोजीशन बनाए। यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट 145 तक के लेवल मिलेंगे, 130 के बाद 35, 35 के बाद ये 140 के बाद 45 तक, और 45 के बाद 55 तक के भी टारगेट आपको बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक रजिस्टेंस है नियर में 148 का, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। अगर 148 के ऊपर निकलता है तो 152 तक का टारगेट देगा आपको। हिंडालको की बात करें तो आज अच्छा तेजी आया मेटल सेक्टर में। कल भी मैंने ये बात बताया था कि मेटल में आपको तेजी मिल सकता है। 475, ये कैंडल देखिए 474 का हाई लगा रखा है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 490 तक के टारगेट हिंडालको भी आपको दिखा देगा। हिंद जिंक की बात करें तो 328 के ऊपर अगर हिंद जिंक निकल जाए तो मजा आ जाएगा। फिर हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर अगर सस्टेन स्टार्ट करे तो फिर ये 330 से 35 का टारगेट दिखाएगा आपको। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर ले, 688 के आसपास ट्रेड कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसके चार्ट यहाँ ओपन होने में लेट लगा रहा है तो यहाँ देखते हैं। देखिए, 700 के ऊपर, 700 के ऊपर ये वापस से अगर निकलता है जेएसडब्ल्यू स्टील तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। 720 से 740 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को बन सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा जिंदल स्टील की बात करें तो सेम कंडीशन पर जिंदल स्टील भी टिका हुआ है। देखिए, ये दोनों ही स्टॉक एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। इसका रेंज आ रहा है 390 से लेकर 385 के आसपास का एक एरिया आ रहा है। इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो 410 से 20 तक के टारगेट बनेंगे। एनएमडीसी की बात करें तो 160 के ऊपर, एनएमडीसी 160 के ऊपर अगर निकलेगा तभी एक पोजीशन दिखाए, सब एक रेंज में फंस गया। एनएमडीसी 160 के ऊपर निकलने के बाद 165 से 70 तक के टारगेट एनएमडीसी में भी देखने को बनेंगे। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले तो देखिए, नेशनल एल्युमिनियम आज अच्छा टारगेट ब्रेकआउट करके दिया है, हाई साइड के जोन को ब्रेक कर दिया। 90 का जो एरिया आ रहा था उसको ब्रेक कर चुका है। अब नया टारगेट इसका 92 का होगा नेशनल एल्युमिनियम में। रत्नामणि मेटल्स 2200 के ऊपर निकलेगा तभी पोजिशन बनेगा, 2250 से 2300 के टारगेट के लिए रत्नामणि मेटल्स में। इसके चार्ट अभी नहीं आ रहे, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा अभी, शायद चार्ट में कुछ इशू है। तो खैर, मैंने आपको रत्नामणि मेटल्स के लेवल बता दिए। नेशनल एल्युमिनियम का सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 के ऊपर, 125 के ऊपर नजर रखिए, 125 के ऊपर निकल जाएगा 130 से 35 का टारगेट। टाटा स्टील अपने हायर जोन पे 1450 से 55 के लेवल को कल अगर ब्रेक करता है तो 1475 से 1500 तक के लेवल दिखाएगा। 310 का एक रेजिस्टेंस है वेदांता में, अगर वो लेवल ब्रेक होता है 310 का तो 320 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। हिंद कॉपर की बात कर ले, 125 के ऊपर हिंद कॉपर निकलेगा तो 130 से 35 तक के टारगेट बनेंगे हिंद कॉपर में। तो अब इसके अलावा दोस्तों, अगर फार्मा के बाद मेटल के बाद फार्मा की बात करें तो फार्मा में सबसे पहले अजंता फार्मा से स्टार्ट करें तो अजंता फार्मा देखिए बिल्कुल अपने लोअर जोन पे ही ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। ये रहा इसका लेवल 2200 का सपोर्ट। 2200 के नीचे निकलने पे ये कमज़ोर हो सकता है और नीचे के टारगेट में फिर आपको दिखा सकता है 2150 से 2100 का। अगर ऊपर के तरफ में 2255 से 65 को ब्रेक करता है तो 2300 तक के टारगेट फिर दिखाएगा। एलकम की बात करें तो देखिए थोड़ा सा रिजेक्शन आया है एलकम में, लेकिन नीचे की साइड में भी एक सपोर्ट है 3850 का। अगर वो ब्रेक डाउन नीचे करता है तो 3800 तक के टारगेट दिखाएगा। और विंडो फार्मा कंटिन्यू, मैंने 3 स्टार में कॉल भी दिया हुआ था विंडो फार्मा का, इसने मेरा कॉल को ठीक ठाक किया है, चिप कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, होल्ड किया है अपने आप को बहुत अच्छे से। कल अगर निकलता है ऊपर 730 को तो 740 तक का एक टारगेट दिखाएगा। बायोकोन की बात करें, 360 के बाद निकलेगा तो 370 तक के टारगेट बायोकोन दिखाएगा। केरला हेल्थ केयर 560 के ऊपर निकलेगा तो 500
80 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। सिप्ला 950, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, साथ ही एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ले रहा है यहाँ पर सिप्ला। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 980 तक के भी लेवल आपको दिखाता है। डिवीज लैब, अब ये बड़ा स्टॉक और भी बड़ा बन गया है ना, जो बड़ा था वो और भी बना गया। मार्केट यही करता है, जो बड़ा रहता है उसको और बड़ा बनाता है, जो छोटा रहता है उसको छोटा ही करता चला जाता है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है। तो एक बार जो बड़ा बन जाता है वो फिर बड़ा ही रहता है मैक्सिमम टाइम, जब तक उसका मैनेजमेंट सही है तब तक। और यहाँ पे अगर कोई छोटा स्टॉक है, अगर उसका मैनेजमेंट सही है तो वो बड़ा बन जाएगा। जैसे बिरला सॉप 70 का स्टॉक बन गया आपका 400, 450 का। तो ये मैनेजमेंट भी काफ़ी डिपेंड करता है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, 5200 के ऊपर निकल जाएगा डिविजन, 5300 से 5400 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी बाउंस करने के लिए मेरा टारगेट डन कर चुका है, 4700 का टारगेट मेरा डन कर गया है डॉक्टर रेड्डी। कल अगर ये 4725 ब्रेक करेगा तो 4800 का भी टारगेट दिखा सकता है। लूपिन 960 के ऊपर निकलेगा तो 975 से 980-95 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। सन फार्मा देखिए, इसने भी मेरा एक टारगेट डन हो गया सन फार्मा में, 800 वाला लेवल मेरा था वो लेवल डन हो गया। तो 801 रुपये के सिनाज हाई लगाया, कल अगर 802, 3, 4, 5 ब्रेक करे तो 810 से 15 तक के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा 3100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, 3150 का हाई भी लगा गया लेकिन उसके ऊपर सही तरीके से रुक नहीं रहा है। 3125 के ऊपर निकलेगा तो 3200 के टारगेट। स्ट्राइड फार्मा 620 से 22 के ऊपर निकलेगा 630 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो 535 के ऊपर निकलने के बाद 540 से 45 तक के इंट्राडे टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा 420 के बाद एक अच्छा पोजिशन बनेगा वोकट फार्मा में, और आपको एक अच्छा टारगेट दिखा सकता है 420 के बाद, जो आपको टारगेट देगा 440 से 50 का शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं वोकट फार्मा। नज़र बना के चले वोकट फार्मा पर। फार्मा के बाद अच्छा एक और स्टॉक है ना पीरामल। पीरामल की बात करें तो 2700 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, 2700 के ऊपर निकलने के बाद पीरामल आपको 2800 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। एस्ट्राजेनिका भी तो है, एस्ट्राजेनिका की बात करें तो एस्ट्राजेनिका में रेजिस्टेंस आ रहा है 3150 का, वो ब्रेकआउट आ जाएगा तो 3200 से लेकर 3250 के नेक्स्ट टारगेट देखने को बनेंगे। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा पे भी दोस्तों। अब चलते हैं जरा आईटी की तरफ, उसके बाद फाइनेंशियल की तरफ चलेंगे। आईटी में एससीएल टेक से स्टार्ट करें, बिरला शॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बिरला शॉप का यहाँ पर प्राइस आना चाहिए बिरला सॉफ्ट, मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। बिरला सॉफ्ट ये आ गया, बिरला सॉफ्ट देखिए 420 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, मुझे क्लोजिंग चाहिए 420 के ऊपर। अगर ये 420 के ऊपर निकलता है बिरला सॉफ्ट, देन आपको 425 से 30 के टारगेट बनेंगे। एससीएल टेक की बात करें तो एससीएल टेक अच्छा से ऊपर की तरफ में 1193 का जिसने हाई लगाया, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपको लगभग लगभग 1193 रुपये का हाई लगा दिया है, लगभग 1200 का लेवल आप समझ सकते हैं एससीएल टेक ने। तो एससीएल टेक वापस कल 1195-96 ब्रेक है तो 1200-1210 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस मूवमेंट तो किया, लेकिन 1720 का एक रेजिस्टेंस है, 1720 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1740 से 60 के टारगेट बनेंगे। टाटा इलक्सी की बात करें तो टाटा इलक्सी में 4770 के आसपास का पोजीशन बन रहा है। अभी देखिए कल वापस अगर ये 4750 के नीचे निकलता है तो कमज़ोर हो जाएगा, 4700 तक के टारगेट दिखेगा, और 4800 के ऊपर अगर निकलता है तो 4850 से फिर 4900 के टारगेट आपको अपसाइड में भी बना के दे सकता है। माइंड ट्री की बात कर लें तो माइंड ट्री में भी लगभग 1% 0.5% समझ सकते हैं तेजी आए, लेकिन आप देखेंगे कि 3 दिनों से हाई एक बराबर है, आप देख रहे हैं ना 3 दिनों से इस हाई को ये कहीं ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है 3690 से लेकर 3700 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो एरिया ब्रेक करेगा तो 3750 से 3800 तक के टारगेट भी बना के आपको दे सकता है। इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर गया इस बॉक्स के नीचे 3580 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 3500 तक के भी लेवल आपको बना के नीचे दे सकता है। विप्रो बहुत अच्छा, 645 के ऊपर कल अगर निकले तो आपको 650 से लेके 655 का इंट्राडे टारगेट भी दिखा सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें अगर तो टेक महिंद्रा ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़ा है दोस्तों, 1460 के ऊपर अगर टेक महिंद्रा निकले तो 1480 तक के एक टारगेट फिर देखने को बनेंगे। शानदार तरीके से मूवमेंट बना के चल रहा है। TCS की अगर हम बात करें तो TCS ने देखिए 3400 के बाद तो ये हवाई जहाज हो गया एकदम रॉकेट, 3400 के बाद तो मैंने कहा था ये 3700 तुरंत दे देगा आपको, और तुरंत से दिया भी, अब तो ये 3800 दे दिया। अब ये वापस 3800 के ऊपर अगर ये निकलता है तब फिर हम 3850 से 3900 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो 5300 के ऊपर निकलने के बाद कोफोर्ज
5400 तक के टारगेट भी बना के दे सकता है। 6183-84 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है इन्फोइज। अगर ये ऊपर 6200 के ऊपर निकले तो 6300 तक का टारगेट भी दे सकता है। एलएनटी की एलटी इन्फोटेक एलटीआई जिसको बोलते हैं, ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो इसके कंफ्यूजन को छोड़ देते हैं। 5375 के ऊपर निकलेगा तो 5400-5450 के टारगेट, नीचे 5250 को ब्रेक करेगा तो 5200 का टारगेट। एम्फासिस की बात करें तो इसने मूवमेंट तो दिखाया 1% का लगभग लगभग एम्फासिस ने, और अभी एम्फासिस का चार्ट आपके सामने, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एम्फासिस क्या दिक्कत है एम्फासिस इसमें है। हाँ बिल्कुल, एम्फासिस ऊपर की साइड में 2950 को जब ब्रेक करेगा तब पोजीशन लीजिएगा, 3000 के टारगेट की तरफ फिर एम्फासिस भागना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा जस्ट डायल की बात करें तो ये कहीं जा ही नहीं रहा है, अभी बिल्कुल रुका हुआ है, बस जाने का ही वेट कर रहे हैं। जिस दिन निकला 980 के ऊपर ये फोड़ के पैसा देगा आपको, 1000-1020 तक के टारगेट आपको बना के दे सकता है जस्ट डायल। इसके अलावा एक और स्टॉक था ना हैप्पीएस्ट माइंडसेट, चलिए हैप्पीएस्ट माइंडसेट को भी देखते हैं। ये 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1500 तक के टारगेट आपको फिर दिखाएगा। तो ये था निफ्टी के मेटल आईटी और फार्मा पे भी, अब जरा फाइनेंशियल स्टॉक को लगाएं जिसमें बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। इस रॉकेट में, इस स्टॉक में कुछ तो रॉकेट जैसा हुआ, खबरें आई उसका एकदम इम्पैक्ट देखने को मिला, और तब से ये चल ही रहा है, रोज़ 500-600-300 पॉइंट दे ही देता है ये। अब देखिए देखते देखते ये 17300 तक आ गया स्टॉक, 17300 के ऊपर निकले 17500-17700 तक के भी टारगेट बना सकता है। बजाज फाइनेंस भी ठीक उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 8000 अब होने वाला है ये स्टॉक, बहुत ही जल्दी आपको 8000 का स्टॉक बना के दिखा सकता है, 7600 हो गया है ना। तो अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, 7600 के ऊपर निकलेगा तब 7700 का टारगेट लेने के लिए लेंगे। चोला फाइनेंस होल्ड कर रहा है अच्छे तरीके से, चोला फाइनेंस थोड़ी सी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए 560 के पास में से, 560 पे थोड़ा सेलिंग जोन बन सकता है जो 550 तक नीचे वापस लेके आ सकता है इसको। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा अवॉइड ही करें, और अगर 235 के ऊपर निकले तो रिस्की ट्रेडर 245 के लिए शॉर्ट टर्म कॉल बना सकते हैं। एलएनटी इन्फोटेक जब तक 92 के ऊपर सस्टेन नहीं करे कोई मज़ा ऐसे नहीं आना है, और 86 के ऊपर सस्टेन करेगा तब थोड़ा सा मज़ा बन सकता है 90 के टारगेट के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 400 के ऊपर निकला 405, 10 और 15 के टारगेट आज, हालांकि 406 का हाई लगाया, कल अगर ये 410 के ऊपर निकलता 420 का भी टारगेट बन सकता है। एमएनएम फाइनेंस सही है, शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट है, बने रहिए, वेट करिए 165-170 के टारगेट के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस लॉन्ग टर्म स्टॉक है 3-5 ईयर्स, तो नज़र बना के चले मन्नापुरम फाइनेंस पर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में उसमें ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। मुथूट कैप 410 के ऊपर निकले 420 से 30 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस की बात करें 1530 से के ऊपर निकलेगा तो 1550-75 और साथ ही 1600 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा मुथूट फाइनेंस। ऐसा ट्रांसपिन शानदार तरीके से मेरे टारगेट तो डन कर दिया, ऐसा ट्रांसपिन का शॉर्ट टर्म कॉल कितने का दिया था मैंने, ऐसा ट्रांसपिन में जो लेवल थे वो 1310 के ऊपर था, 1350 से लेकर 90 का पहला टारगेट, तो आज तो फर्स्ट टारगेट डन हो गया। तो जैसे जैसे ये मैंने एरो दिए वैसे जैसे ये बना के जाएगा ऊपर की साइड में, टेंशन उसमें नहीं लेना है आपको। अब नेक्स्ट टारगेट इसका जो निकल के आ रहा है मेरे पास, मैंने बता भी दिया आप लोगों को शॉर्ट टर्म कॉल अपने यूट्यूब चैनल पर स्विंग ट्रेडिंग कॉल, उसका लेवल है 1390 का नेक्स्ट टारगेट, तो वेट करेंगे नेक्स्ट टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में यानी ऐसा ट्रांसफर में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू, अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, या टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।